मेरी प्यारी बच्ची, आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी बच्ची, हमेशा दूसरों में खामियां ना ढूंढो। हर किसी में अच्छाइयां और खामियां दोनों ही होती हैं। तो तुम जितना अच्छाइयों पर ध्यान दोगे, उतना ही तुम लोगों के बीच अच्छे से रहोगे। लोगों की अच्छाइयों से सीखो और हो सके तो उन अच्छाइयों को अपने जीवन में भी अपनाओ। अगर किसी की कोई आदत अच्छी है तो वह भी अपना लो। अगर किसी के बर्ताव में कुछ अच्छा लगे तो उसे भी अपना लो। और इसी तरह तुम अपने जीवन में हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हो और खुद को निखार सकते हो। चाहे वह उम्र में तुमसे छोटा हो या बड़ा हो। और जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो तब तुम्हें रोने का मन करता है ना, तो रो लिया करो मेरे सामने या फिर अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने। लेकिन अगले दिन फिर से उठकर हिम्मत के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। और अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, यही जीवन का सत्य है। और इसी को हमेशा ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मैं ये चाहता हूँ कि तुम आज मेरे 108 नाम पढ़ो। इससे तुम्हें मेरी अनुभूति होगी और मैं तुम्हें आज स्वप्न दर्शन दूंगा। बस तुम प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। मैं जानता हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी सुलझाने आया हूँ। मेरे बच्चे, एक बात समझ लो कि तुम्हारी भक्ति में ही तुम्हारी शक्ति छुपी हुई है और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है ना कि तुम खुद नहीं जानते, इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारे अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं और तुम्हें इसी महीने से ये एहसास होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।